हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर में पिछले क्लास में हम लोगों ने द जंगल बुक पढ़ा था, वो एक स्टोरी था। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर इफ़ आई न्यू। ठीक है, ये हमारा एक पोयम है। ठीक है, इफ़ आई न्यू, तो आइए हम देखें कि इफ़ आई न्यू में क्या है और ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। इफ़ आई न्यू द बॉक्स वेयर स्माइल्स वेयर किप्ड, नो मैटर हाउ लार्ज द की और स्ट्रॉन्ग द बोल्ट, आई वुड ट्राई टू सो हार्ड Doubt would open I knew now for me, then over the land and the sea, broadcast I'd scatter the smiles to play, that the children's face might hold them fast for me many and many day. यहाँ poet हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो पोएट हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे यह पता होता कि वह बक्सा, पोएट एक बक्सा खोज रहे हैं जिस बक्से में मुस्कुराहट भरी होती, सभी की मुस्कुराहट भरी होती, तो उस बक्से की चाबी चाहे कितनी भी बड़ी हो, और उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं कि उस बक्से की चाबी कितनी भी बड़ी हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और उसमें कितना भी मजबूत, यानी कि मजबूत नोट बोल्ट कसा हुआ है, मैं उससे खोलने के लिए बहुत मेहनत करता और मुझे यह भी पता है कि वह खुल जाता। ये उन्हें पता है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो कितनी भी मजबूत से मजबूत नोट बोल्ट हो या कितनी भी मजबूत चाबी हो, उसे हम खोलने में अगर प्रयत्न करें तो वो आखिरकार वो खुल जाएगा और हम अपने प्रयत्न में सफल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं ज़मीन पर, नदी में और आसमान में हर जगह मुस्कुराहट को बिखेर देता, यानी कि उस बक्से की चाबी को खोल के उस बक्से में जितने भी मुस्कुराहट भरी होती, उस बक्से की मुस्कुराहट को हम लोग बाहर निकाल के ज़मीन पे, आसमान में, नदी में, सभी जगह क्या करते, उस बक्से की मुस्कुराहट को क्या करते, सभी जगह हम लोग बिखेर देते। ठीक है, और इस तरह से हम देखते क्या कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती और बहुत दिनों के लिए मुस्कुराहट बनी रहती, बच्चों के चेहरों पे बहुत दिनों के लिए मुस्कुराहट बनी रहती। ठीक है, इफ आई न्यू अ बॉक्स दैट वॉज लार्ज इनफ टू होल्ड ऑल द फ्रॉन आई मीट, I would like to gather them everyone from nursery school and straight them folding and holding. I'd pack them in and turning the monster key. I'd hear a giant to drop the box to the depth of the deep सी। ठीक है, तो पोएट हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, पोएट ने तो पहले बताया कि हम वैसे बक्से को खोज रहे हैं जिस बक्से में मुस्कुराहट भरी हो, उस बक्से में कितना भी बड़ा ताला हो, कितना भी वो बड़ा नोट वोल्ट से कसा हो, उसे हम लोग खोल देंगे और उस बक्से में जो मुस्कुराहट है वो हम सभी जगह बिखेर देंगे, ताकि उस मुस्कुराहट से सभी में मुस्कुराहट बनी रहे, बच्चे हमेशा खेलते रहें, खुश रहें। और अब पोएट जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे बड़े बक्से के बारे में पता
रहता। ठीक है, पोएट कहना चाह रहे कि अगर मुझे बड़े बक्से के बारे में पता रहता जिसमें मैं अपना सारा दुख, पोएट जो हैं वो अपने दुख के बारे में कह रहे हैं कि एक बड़े बक्से में मैं अपने सारे दुखों को और संकट को रख सकता, जो मैं अपने सारे दुखों को इकट्ठा करके और दूसरों के दुखों के, यहाँ पोएट का कहना है कि मैं अपने दुखों को और दूसरे के दुखों को इकट्ठा करके मैं अपने नर्सरी क्लास से लेकर अभी तक के जितने भी उनके दुख हैं, पोएट के जितने भी दुख हैं, उन सभी दुखों को उस बक्से में क्या करता, बंद कर देता। ठीक है, और बंद करके उसकी चाबी जो है, उस चाबी को हम लोग पोएट जो है उस चाबी को कहाँ फेंकना चाह रहे हैं, उस चाबी को पोएट जो है कभी जो है वो एक विशाल काय कभी जो है वो उस बक्से को एक विशाल काय आदमी को यह बक्सा फेंकने को दे देता। कभी कहते हैं कि मैं उस बक्से को में जितने भी अपने दुख हैं और दूसरे के दुख हैं, वो कभी अपने नर्सरी से लेकर आज तक के जितने भी दुख हैं उन सारे दुखों को क्या करना चाह रहे हैं, उस बक्से में बंद कर देना चाहते हैं और उस बक्से को एक विशाल काय यानी कि बहुत बड़े आदमी को देकर फेंकने को कहते हैं, और ऐसी जगह फेंकने को कहते हैं जो कि एक गहरी नदी हो और वह बक्सा उस गहरी नदी से कभी नहीं निकले, ताकि उनके दुख जो है वो बाहर कभी नहीं निकले। ठीक है ना, तो इस पोएम में कभी ये कहना चाह रहे हैं कि वो मुस्कुराहट को लाना चाहते हैं और दुखों को क्या करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने इफ़ आई न्यू पोएम पढ़ा है, आपका होमवर्क है रिमेम्बर द पोएम चैप्टर 4। ठीक है, एस डब्ल्यू आप लोग लिख लीजिएगा, रिमेम्बर द पोएम इफ़ आई न्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।